नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। आरोग्य भारती अवध प्रांत की संगोष्ठी सर्कुलर रोड स्थित वैभव लान में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव और सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर अशोक कुमार वैष्णव सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे विश्व ने आयुर्वेद के महत्व को कोरोना महामारी काल में समझा। आयुर्वेद के काढ़ा, हल्दी वाला दूध, भपारा एवं योग के द्वारा करोड़ों लोगों ने कोरोना की मात दी। संपूर्ण विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाला देश भारत था, क्योंकि यहां पर नित्य प्रति की जीवन शैली ही ऐसी है कि व्यक्ति ने अपने को उस हिसाब से ढालकर महामारी पर काबू पाया। मुख्य अतिथि ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि जैसा ही हमारे पुरातन काल में होता आया है, सूर्योदय से पूर्व अपना बिस्तर छोड़ दे, योग करे, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करे, रात्रि का भोजन सोने से कम 2 घंटे पूर्व कर ले, साथ ही आहार में सभी संयम रखे और विरुद्ध आहार का प्रति परित्याग करे। यदि आम जनमानस अपनी दिनचर्या को इसी भ्रांति करे तो डॉक्टर रामबाबू द्विवेदी एवं डॉक्टर रामकरण द्विवेदी ने भी आयुर्वेद एवं योग के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ एवं नामचीन चिकित्सक उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रंजन, डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर सीपी कटियार, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेश अग्निहोत्री, दलवीर सिंह कटियार, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चौहान, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण मिश्रा, डॉक्टर मुनीश सिंह, माधवगंज के चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, अखिलेश गुप्ता, गौरव भदौरिया, नवल किशोर, डॉक्टर रोहित सिंह बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।